बज रहा है यार ये किसके देखो, साथ? तब से इसके साथ देखो ना स्क्रैच ही बढ़ गई पूरी, इसको ओहो जब लगती स्क्रैच ही बढ़ गए हैं ये, इसके पुर्जे हिल गए यार, पता नहीं कौन सी आवाजें निकाल रही है स्कूटी ये। राजू भाई का डोरेमोन का पॉकेट है। ओ तेरी बहन की लग गया है। देखो अभी ढीला है और इतना लाउड बज रहा है। देखो जैसे ये राजू भाई ने टाइट किया ना, अभी आवाज सुनना इसकी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस चीज से इस हॉर्न का क्या कनेक्शन। हमने अभी 70 ही बुझाई थी, 70 के बाद चिल्लाने लग गए यार ये। ये निकाला नहीं क्या हॉर्न? वो ही रखा निकाला, अब पापा मारेगा। सो गाइस अभी राजू भाई की कॉल आई और हट में खड़े हैं और बोल रहा था प्लास लेके आया, तो ये प्लास लेके आया। मैं भी पता नहीं क्या काम होगा, बोल रहा था मैं बाइक लेके खड़ा हूँ, मैं भी बाइक के रिलेटेड कोई काम होगा मुझे लगता है। तो अभी जाते हैं राजू भाई के पास, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इनको कॉल कर रहे थे भाई, उसके पास फोन भी नहीं है बेचारे के पास, जल्द से हम उसको फोन दिलाने वाले हैं। तो सामने अपना हट और देखते हैं राजू भाई कहाँ बैठे हुए हैं। गाइस ये अपने राजू भाई, राजू भाई क्या हुआ यार? मोंटी भाई क्या हाल है? प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। क्या हुआ यार? इसका हॉर्न ना पहले लगाया था ना मैंने, तो मतलब इसके साथ बज रहा है यार ये। किसके साथ? तब से इसके साथ देखो ना स्क्रैच ही बढ़ गई। ओहो स्क्रैच ही बढ़ गए हैं ये, इसके साथ बज रहा है बंपर के साथ। जब मतलब जंप लग रहा है ना इसको, तो शॉकर पुश हो रहा है, तो इसके साथ बज रहा है। नहीं यार, अच्छा ये खाप हो गई, ढीला भी हो गया। अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम हो रही है गाइस, यार ये प्रॉब्लम हो गई, तभी प्लास लाने के लिए बोला तूने। अब क्या करना है इसको यार? पहले हॉर्न और दूसरा टीटी हॉर्न मिलता ना, तो हाँ तूने लाउड वाला, फिर ये लाउड लगाया था। ओ भाई लाउड, ये वाइब्रेट भी कर रहा है, देखा ना वो, देखो वाइब्रेट हो रहा है। तो अब चेंज करना है इसको, क्या करना है यार? जहाँ पे टीटी हॉर्न लगा ना वहाँ पे इसको लगा लेंगे हम, देखते हैं कोई इसका और जुगाड़ आगे पीछे। तो गाइज ये चेक कर सकते हो यार, ये कुछ हॉर्न बड़ा वाला, लेकिन छोटा वाला है ना, इसके बदले लगा सकते हैं हम इसको। हाँ इसके बदले भी लगा सकते हैं हम इसको, इसको हाँ इसको निकालते हैं ना हम। हाँ तो इसके बदले ये वाला फिट कर देते हैं इधर ना, और अच्छा भी लगेगा और ये भी बच जाएगा। तो गाइज ये राजू भाई की स्प्लेंडर, और मैं बता दूं इसमें फीचर बहुत ही ज्यादा है यार, इसको हर जगह प्लग ही प्लग है। आप देखोगे ये नीचे ये प्लग, एक प्लग इधर, तीन चार प्लग उधर, और ये वाले प्लग, मतलब हर जगह ये है फुल, मतलब वो वाली है सिस्टम वाली बाइक है। अभी इसको डबल स्टैंड लगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है और इसको खोलते हैं। राजू भाई लगाओ स्टैंड इसको यार। अच्छा हमने ये वाला हॉर्न तो निकाल लिया, लेकिन वो वाला दूसरा वाला नहीं निकल रहा, क्योंकि ये वाली जो इसकी पत्री है छोटी सी, ये निकालनी पड़ेगी अभी यार। राजू के घर जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि वहाँ पे चाबी वगैरह है, यहाँ पे नहीं है। अभी निकलते हैं राजू भाई के घर, फिर वहाँ पे जाके करते हैं नीचे वाले मोहल्ले में। गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम नीचे वाले मोहल्ले में, तो आगे राजू की दादी भी खड़ी हुई है। गाइस आप यहां दादी का लेक्चर सुन सकते हैं, दादी क्या बोल रही है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? क्या कहां घूम रहा है? निकाला हॉर्न, निकाला क्यों? क्यों निकाला? तो गाइस घर वालों की चार गालियां खाने के बाद हमने बाइक लगा ली है साइड पे, और घर जाएंगे चाबी लेने के लिए। तो चाबी वगैरह लेते हैं, तो फिर उसके बाद करते हैं इसको थोड़ा बहुत ठीक। तो राजू भाई के घर यहाँ से नीचे के लिए रास्ता, ये वाला रास्ता है राजू भाई के घर के लिए, यहाँ से जाना है हमने राजू भाई के घर पे, फिर जाके लेंगे चाबी वगैरह। मेरा राजू भाई ने खेती बहुत सारी की हुई है यहाँ पे। कौन से पेड़ लगाए हो यहाँ पे? ये बादाम का है, बदाई का है, बदाई के पेड़ है यार, और फूल के भी लगाए हैं। तो राजू भाई की खेती देख रहे हो यार आप, एक ही जगह पे 10 तरह के पेड़ लगाए हुए हैं, उधर भी पेड़, इधर भी पेड़, इधर भी, उधर भी। इसमें है चाबियों का पटारा, चाबियां। अभी निकलते हैं ऊपर के लिए। तो गाइस बाइक अभी लगाई हमने साइड पे, तो इधर डबल स्टैंड लगा के प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि प्लेन जगह है ना ये। पहला नंबर हमको खोलने का ये है कि हमको ये खोलना है, फिर देखते हैं उसको कैसे एडजस्ट कर पाए। राजू भाई का डोरेमोन का पॉकेट है और पूरा उलट दिया है, खोल के देखते हैं क्या सीन है इसका। खुल जाए तो बैटरी रहेगा, खुल गया भाई, खुल गया। सो गाइस हॉर्न तो हमने बड़ा प्यारा तरीके से लगा लिया था, तो अभी मैं इसको फिलहाल आपकी इसकी साउंड सुनाता हूँ। देखो अभी राजू भाई इसको टाइट करेंगे ना, ये वाला नट इसका टाइट वाला, देखो अभी ढीला है और इतना लाउड बज रहा है। अभी देखना वहाँ से पीछे से हम इसको टाइट करते हैं, तो अपने बारे इसको कुछ हो जाता है यार। देखो जैसे ये राजू भाई ने टाइट किया ना, अभी आवाज़ सुनना इसकी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस चीज़ से इस हॉर्न का क्या कनेक्शन है यार, ये तो इसका टाइट वाला सीन है ना। इसको ढीला करेंगे हम, ये देखो ढीला किया, ये इतना लाउड बज रहा है। अब गाइज ये वाला सीन हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा यार, बाकी तो हमने कम्प्लीट कर ही लिया है फिलहाल, लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं आ रही यार। ढीला छोड़ रहे हैं तो लाउड बज रहा है,
टाइट कर रहे हैं तो लाउड ही नहीं बज रहा। अब राजू भाई को जो बिना लाउड के पसंद ही नहीं आ रहा। राजू भाई बोलता गिरने को गिर जा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन लाउड बजना चाहिए यार। साहिल भाई लेके आ गया अपने स्कूटी। पेपर कैसा हो रहा है कल? पेपर अच्छा हो गया भाई। पास हो जाएगा नहीं हो जाएगा इतना पता? भाई की बेइज्जती कर रहे हो। चल मोड़ फिर मोड़ इसको। चले घर, चले घर नहीं जाना अभी। राजू भाई की बाइक में थोड़ा काम लगे, उसके बाद जाना घर पे। चलना राजू एक चक्कर मार के आते हैं। स्कूटी हम चला के आ गए। राजू भाई खुश हो गए, इसके पुर्जे हिल गए यार। पता नहीं कौन सी आवाजें निकाल रही है स्कूटी ये। हमने अभी 70 ही बुझाई थी, 70 के बाद चिल्लाने लग गए यार ये। निकलो फिर तुम, निकलो, चला चला चला। कौन सी आवाजें हो रही है? वो मर गया था। ये कैप्चर करना मंडी।